बना लूं सीखो बारी। बना लूं ये ऋषिकेश आज मुझे जात की बताए। अरे ऐसे नहीं बताते हम, सबके सामने नहीं बोलते ऐसे। हाय पलक, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर एपिसोड। एंड मुझे यकीन ही नहीं हो रहा यार कि मैं दूसरा एपिसोड भी शूट कर रहा हूँ। घर पहुँच गया अभी, बगल हमारा एक छोटा सा कालू आया हुआ है, और अभी जस्ट मैं दुकान बढ़ा के आया हूँ। आपने कल वाले व्लॉग में देखा था ना कि मैं दुकान में था, तो वो व्लॉग मेरे को अभी पब्लिश करना है। और अम्मा के लिए मैं काजू एंड किशमिश लेके आया हूँ, तो वो भी देते हैं, और आपको अम्मा से मिलाता हूँ। ली 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 ली, हमारा कालू तो चला गया, मैंने आपको बताया नहीं। जो हमारा कालू था वो बीच में 2022 में चला गया था, बीमार था वो। एंड हमारे पास दूसरा कालू है, एक कालू। पर यार कालू को पता है कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट वी स्टिल हैव दिस क्यूट फन लविंग जॉग। फिलहाल अम्मा के पास जाते हैं। ये लो, कैसी हो अम्मा? अच्छी हो। अच्छे है। आपका नाती 2 साल बाद वीडियो बनाना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ठीक है, अम्मा से बातें हम फिर बाद में करेंगे, फिलहाल अम्मा को हम छिपाते हैं। आप इसको एंजॉय करो, और मैं मूंगफली भी लेके आया था, मूंगफली दे दी अम्मा को। ठीक है अम्मा, कह रहा हो तो चिल्ला गयो अम्मा मुझे। अम्मा मेरी अम्मा जैसा ये दुनिया में कोई छेने छेने ला छेने ला कोई कोई हो। पूरी दुनिया में मेरी अम्मा जैसे कोई ना हरे कोई ना हरे कोई ना। ये एक्चुअली उनकी कविता है, सुमित्रा नंदन बन जी की कविता है, कि पूरी दुनिया में मेरी सुबह जैसे कोई ना हाने कोई ना। वो मैं अम्मा पे चिपका लेता हूँ, एंड इतना अच्छा लगता है ना अम्मा से मिलके यार। तो गाइस फाइनली मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है, एंड आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। पापा फाइनली 7:30 बजे घर आ गए, पिथरा गए, रैली में गए थे। पापा कैसी रही रैली? बढ़िया थी यार। कौन कौन लोग आए थे? सब एक्स सर्विस में। को तो कई अपने पुराने दोस्त भी मिले होंगे ना? हाँ, मेरे यूनिट वाले। अच्छा, क्या बोल रहे थे फिर? इतने सालों में भेंट हुई। हाँ। अच्छा लगा उनको भी। अच्छा, सरकारी गाड़ी लेने आई यहाँ पांखू तक। हाँ। फिर सरकारी गाड़ी ने ही पहुंचा दिया। अरे ये तो बहुत बढ़िया था फिर। हाँ। एक टूर टाइप का हो गया आपका, दोस्तों से मुलाकात होगी। पापा भी आ गए, एंड बहुत ठंड हो रही है इधर पे, तो मैं पापा को लेने भी गया था उधर, और व्लॉग भी डाल दिया मैंने, इसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। हाय गाइस, आज है 10 फरवरी और सुबह हो गई है, उठ गया हूँ मैं, एंड बहुत अच्छा सा लगता है यार घर में उठना। जब वहाँ उठता था वहाँ दिमाग में ही रहता था कि अरे यार 10 मिनट लेट हो गया, फट से नहाओ धो स्कूटी पकड़ो सीधा ऑफिस जाओ, बट यहाँ वो टेंशन नहीं है, यहाँ मैं आराम से उठा हुआ हूँ और बहुत अच्छा सा लग रहा है। पीछे आप देखेंगे ना, यहाँ पे सरसों के फूल खिले हुए हैं, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैंने पढ़ा था ना, कल या परसों कभी रोज डे था, तो लिखा था कि किसान के लिए सरसों ही गुलाब होता है, तो कितनी खूबसूरत बात है। तो अभी मैं अपने घर के आंगन में आ गया हूँ, और सूर्य उधर से है, तो मैं थोड़े ऐसे बनाता हूँ वीडियो उल्टा चलते हुए, बट बहुत अच्छा लग रहा है यार। और आज मैं एक काम करने वाला हूँ, आज मैं अपने गाँव में जितने भी लोग हैं मेरे अड़ोस पड़ोस के, उन सबसे मिलने वाला हूँ, एंड आप लोगों को मिलाने वाला हूँ, और उसके बाद फिर ये रहेगा कि मैं घर आऊँगा, एंड फिर हम आगे की चीज़ें करेंगे। तो चलते हैं, फिलहाल हमारा अभी पीछे मेरा घर है, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लू रंग का, एंड ये देखो इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं इधर पे, और यहाँ पे खेत है हमारा जिसमें अभी फ़िलहाल ज़्यादा कुछ उगा नहीं है। और ऊपर से अंकल आ रहे हैं। हाय अंकल, कल वाला व्लॉग देखा आपने? देखा। कैसा लगा? दुकान का देखा। हाँ, अच्छा लगा। तो अंकल भी है, अंकल का ही घर है, मैं अंकल के घर ही जाने वाला था, चलो क्योंकि मैं अंकल के अभी परिवार से नहीं मिला हूँ ना, तो जैसे मैं उठा ही था अभी, तो सोचा कि यार सबसे मिल के आते ना, कि पतले पतले से रास्ते और इतना सुंदर नज़ारा सामने अंकल। हाँ, जल्दी गया था। अच्छा, तो अंकल की भी दुकान में पाखू का जो बाजार है वहाँ पे दुकान है, तो अंकल इतने मेहनती हैं, पर चले गए थे सुबह देखो शूज़ पहन के, आजकल शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी होता है। भाभी जी कैसी हैं? हाँ हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। जैसे अंकल मेरे पड़ोसी हैं, अंकल के वो पड़ोसी है, मैं परसों आया। हाँ, 10-12 दिन की है बस। तो गांव में जब भी हम छुट्टी आते हैं ना, तो सबसे पहले यही बोलते हैं लोग कि कब आया एंड कितने दिन की छुट्टी है, ये दो बहुत केंद्रीय प्रश्न होते हैं ना अंकल। लुट पुट गया, क्या बात है। हाय गाइस, तो अभी अब कैसे बना रहा हूँ, मेरे को वीडियोस बनानी है इसके साथ, बट यार ये ऐसे मारने का वो कर रहे ना। पहाड़ में आपको सामान्यतः है ना ऐसे छोटे छोटे पुल दिखेंगे, पुल क्या बोलूँ,
वहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए ना उन्होंने तख्ता रखा हुआ है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है ना। नीचे देखो, अरे वाह, इधर तो हमारे कालू जैसा ही दूसरा कालू भी है यार, हम भी लेके आए हैं। इसका नाम क्या रखा आपने? कालू। अरे वाह, हमारे गांव वाले ना बहुत रेसिस्ट होते हैं, काले कुत्ते का नाम कालू, भूरे का नाम भूरू, लालू लाली। ये हमारी एक विमला देवी, हमारे दोस्त विमल, उसके पापा मम्मी हैं। कैसे हो आप? ठीक हूं यार। हाँ, और अभी तो इनकी लड़की की शादी भी हो गई, उनका कॉल आता है? नाती भी हो गई यार। नाती भी हो गया, अरे वाह बधाई आपको यार, मेरे को ये जानकारी नहीं थी। तो आप अम्मा बन गई मतलब? क्या बात है यार, नानी बन गई। नानी बन गई, हाँ सॉरी नानी बन गई। और ये इनका प्यारा सा, एक सामने इतना प्यारा सा व्यू है, नीचे भी आपने भी तो वो फल है ना। हेलो हेलो हेलो, मेरे देश की प्रजा है। अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं ऐसे उसमें खड़ा हूँ जैसे मोदी जी खड़े रहते हैं ना, और नीचे जनता दिख रही है मुझे। भाइयों बहनों कैसे हो? अरे यार तो डर गए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा यार आज सबसे मिलके आ गया मैं नीचे। इसको बकरी घास भी बोलते हैं, बकरियां बहुत खाती हैं बलि से। और इससे क्या क्या होता है भाभी? घाव में लगाते हैं ना, देखिए इसको खाली पीसते हैं पत्थर से, और इसका जो इसका ही जो रस होता है वही लगाना पड़ता है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना पड़ता है। तो अगर आपको इसका नाम पता है ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताना यार, आपके इधर क्या बोलते हैं इसको? हमारे इधर तो काल झाड़ और बकरी झाड़ बोलते हैं। यानी तो आपके इतने प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं ना पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो पे, बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया यार इस मोहब्बत के लिए। और जो ये वाला एरिया है ना, ये शायद आप में से हर किसी का फेवरेट एरिया होगा, जहाँ से हमारा हल्का सा घर भी दिखाई देता है और घर बहुत पास होता है, और जो घर लौटने की फीलिंग होती है वो शायद ही मेरे से बेहतर अभी कोई बता सकता है। अम्मा ने देखो यहाँ पे दाल, कौन कौन सी दाल है अम्मा? 52 प्रकार की, हमारे पहाड़ की सबसे फेमस भटकी दाल भी यहाँ पे। ये देखो ये लाल लाल भटनी, देखा है यहाँ पे राजमा भी है। तो यार इतने प्रकार की दालें रखी हुई है, और ये है हमारा आज का खाना। हाय बुआ, ये सारा खाना ना बुआ ने बनाया, ये सब्जी अम्मा ने बनाई है ना, हरी वाली? नहीं हरी वाली मैंने बनाई, ये वाली अम्मा ने बनाई, ये वाली अम्मा ने बनाई। और पराठे हैं, गाजर का हलवा है, और एक मडवे की रोटी भी है, वो आपको दिखाता हूँ। तो मैं खाना एंजॉय करता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ फिर। हाय गाइस, सो मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ, मेरे को मैं मार्केट जाना है, और मेरी अम्मा ने मिले माल्टे काट के रखे हुए हैं। और अम्मा कैसा लग रहा है आज आपको, आपका नाती आ गया दिल्ली से? नाती बाजार जा रहा है मार्केट, अब कैसे रहूं घर में अकेले? अरे अरे अरे, मेरा नाती बता, प्यारा नाती है, मेरे लिए क्या क्या लाया है ये देखो तो। ये मैं लेके आया हूं, ये इतना लाया है, कल मूंगफली लाया है, काजू किशमिश बादाम लाया है मेरा नाती। अरे कितना प्यारा नाती है ये। आपको मैं दिखाऊंगा इस माल्टे को खाने की ना, पहाड़ी स्टाइल दिख रहा हूँ ना इसमें, दिख रहा हूँ मैं, हाँ ये दिख रहा हूँ ना, हाँ ऐसे करना है आपको, एक कोना इस साइड पकड़ना है, एक कोना इस साइड पकड़ना है, ऐसे करना है, और इसको वर्टिकल, हाँ उंगली हटाओ उंगली हटाओ। और अब तो भालू की माँ खाते है और लोग तो तेरे दुगड़ू क्या बोले, ये बड़ा बंदर आ रहा है घर में, बंदरों को छोटा बंदरों को भगाएगा बोले थे, मैं देखो तो कुछ खाना नहीं आया। आपको मेरी बुआरी, आपकी बुआरी कैसी लगी? भली बेलसुली निकी सुन, कल मैंने अपनी अम्मा से ना खाली बुआर ने गया है चेहरा बड़ोड़ है तो पे। आपको अच्छी लगी वो? आपको अच्छी लगी बताऊं? गोल गोल मुहे बली हो बुलार जणा ब्याह रहेगी जाए ये कालू जूनियर हमारे साथ आने की फिराक में था, मैंने इसको देख लिया, इसको बात देते हैं। रुक जा बेटा कलूडी जूनियर, चल बाय बाय। भैया माल्टा पार्टी तो हो गई है, अभी फिलहाल मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैंने अभी भात नहीं खाया क्योंकि मेरे को भूख नहीं लगी थी, अभी जस्ट मैंने पराठे खाए थे ना, पापा को भूख लगी होगी तो मैं पापा को घर भेजूंगा। मैं थोड़ी देर मार्केट में रहूँगा एंड दुकान में रहने के, पापा जब नीचे आएंगे फिर उसके बाद मैं भी घर आ जाऊँगा। सो अभी मैं फिलहाल मार्केट से आ गया हूँ, मैं पापा की जगह चला गया था, एंड यहाँ पे मेरे बचपन का दोस्त मिला हुआ है योगेश। कैसा है योगेश? तो सर ये आई एम फाइन वाले हैं, तो हम इनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिलहाल आज का एपिसोड एंड करते हैं आई एम फाइन के साथ। तो अपने अंदाज में बोलिए ना कि
सब्सक्राइब और लाइक ऐसे जो भी बोलते हैं नहीं बोल पाएंगे प्लीज चैनल टू ही सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों बहुत मज़ा आया योगेश से मैं मिल चुका हूँ एंड हम पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। आप लोग भी मेरे चैनल की पुरानी वीडियोज़ देखें अगर आप नहीं हैं और जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में और बहुत मज़ा आ रहा है बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ तो मैं दिखाते रहूँगा क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय जल्द मुलाकात होती है गुड नाइट प्लीज चैनल टू सब्सक्राइब। ठीक है हमारे दोस्त ने बोल दिया कि हमारे चैनल को सब सॉरी पहले पूरा काट दो तू इसको भाई पूरा वो डाल देना ठीक है और डाल देना।